हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, आपके चेहरे पर दाग धब्बे पिंपल्स है, या आपका चेहरा पर कालेपन की परत चढ़ गई है, तो चलिए आज मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगी। इस नुस्खे से आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आज आपको दो चीज़ों का यूज़ करना होगा। पहला आपको लेना होगा कुकुम्बर। कुकुम्बर से फ्रेंड्स आप अपने फेस की इन सभी समस्याओं को दूर करके अपने चेहरे को एकदम से गोरा बना सकते हैं। और आपको सेकंड चीज़ यूज़ करनी है, वो है टोमेटो। इन दोनों के ज़रिए कैसे आप अपने फेस के आए दाग धब्बों को रिमूव कर सकते हैं, कैसे अपने चेहरे को एकदम से गोरा और जवान खूबसूरत बना सकते हैं, इसके लिए देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स उससे आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के आइडियाज़ मिलते रहेंगे और आप अपने चेहरे को एकदम से गोरा जवान खूबसूरत बनाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। फ्रेंड्स, आपको इन दोनों को कट करके इनका मिक्सी में डालकर पेस्ट बनाना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इन दोनों को काटकर मिक्सी में डाल लेना होगा। और दूसरा, आपने जो इसमें कुकुम्बर लिया है उसे छिलके समेत ही यूज़ करना होगा। तो चलिए हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने फ्रेंड्स इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। आपको भी इसका पेस्ट बनाकर तैयार इस तरह से कर लेना होगा। फ्रेंड्स, जब आप इन दोनों चीज़ों को पीसेंगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टमाटर और खीरे के अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब आपको करना क्या है, आपको एक क्लीन बोल लेना है और छड़नी की सहायता से आपको इसके रस को निकाल लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह छलनी की सहायता से इसके पूरे रस को निकाल लेना होगा और इसका यूज़ अपने फेस पर करना होगा। आपको इसका यूज़ अपने फेस पर करना कब है, आपको फ्रेंड्स जब आप सोकर उठेंगे तब आपको इसे अपने फेस पर लगाना होगा, और जब तक नहीं नहाएंगे तब तक अपने फेस पर लगाकर रखना होगा। चाहे आप एक घंटा ना नहाएं या फिर आप 10 मिनट के अंदर ही क्यों ना नहा लें। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने फेस पर 15 से 20 मिनट तक ज़रूर लगाकर रखें, ताकि आपकी स्किन के अंदर जाकर आपकी स्किन के एकदम से गोरा बनाए और आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, दाने हैं, उन्हें जड़ से ख़त्म करने का भी कार्य करें। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अपने फेस के ऊपर लगाना कैसे है। आपको इसे अपने फेस के ऊपर कॉटन की सहायता से लगाना होगा। इस तरह से आप कॉटन लीजिए और इस पेस्ट में कॉटन को अच्छे से डिबोइए और उसके बाद आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा हल्के हाथों से। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे अपने फेस के ऊपर लगाइएगा और फ्रेंड्स लगभग 5 मिनट तक अपने फेस पर इसकी मसाज करते रहिएगा, ताकि आपकी स्किन के अंदर समा जाए और आपके जो चेहरे का कालापन है उसे दूर करने का भी कार्य करें। हल्के हाथों से फ्रेंड्स आप इसे अपने फेस पर लगा कर रखें 15 से 20 मिनट, या फिर आप एक घंटा नहीं नहा रहे हैं, दो घंटा नहीं नहा रहे, तब तक भी अपने फेस पर आप इसे लगा कर रखिएगा। जब फ्रेंड्स एक से दो घंटे हो जाएंगे तो आप इसे अपने चेहरे से रिमूव कर लीजिए। रोज़ाना आपको इसका यूज़ करना है। जब भी आप सोकर उठेंगी तो आप इसे अपने फेस पर लगाइएगा। लगातार 15 दिनों तक आप इसका यूज़ अपने फेस पर कीजिएगा। और दूसरा फ्रेंड्स, आपका ये पेस्ट स्टोर भी हो सकता है लगभग 15 दिनों तक। आप इसे या तो एक बोतल में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। ऐसा करने से फ्रेंड जब भी आप सुबह उठेंगे तो आपको ठंडा ठंडा अपने फेस पर इसे अप्लाई करना होगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। तो फ्रेंड्स आप इस सीरम को ठंडा अपने फेस पर यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ऐसा करने से ही आपके चेहरे को ताजगी देगा और आपके चेहरे को एकदम से गोरा जवान और खूबसूरत भी बना देगा। तो आप इसका यूज़ करके देखिए और अपने चेहरे को एकदम से गोरा और दाग धब्बे फ्री बनाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।